गोपी बहू, मैं वॉशरूम जाकर आती हूं। शुद्ध करो दिकरा, मुझे इधर आना ही पड़ा। अब जो ने मारी पोतानी दिकरी तो मुझसे बात करने को तैयार नहीं। मैंने आत्महत्या करने की भी कोशिश की, पर उधर भी तूने मुझे बचा लिया। जब बचाया ही है तो हम माँ दिकरी का मिलन भी करवा दे दिकरा। गोपी दिकरा, वो बद्दू का ही समझू छू कि तुझ पर क्या गुजर रही है। तेरी सास है या जेलर? आखिर ऐसे कैसे जुल्म कर सकती है? राशि, तू तो कुछ बोल, तू क्यों चुप है? मम्मी, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप जाइए। देख देख गोपी, अब तू ही इसे समझा। अरे, अपनी माँ से कोई ऐसे बात करता है? हाँ, सीख सीख अपनी छोटी बहन से कुछ। से मेरी जान बचाई, मुझसे बात भी करती है, और तू तू है कि तू तो मुंह ही नहीं खोलना चाहती। गोपी दिकरा, अगर तू ना होती तो आज पता नहीं मेरा क्या होता। गाने पे आप लोगों ने कमाल का डांस किया। कितनी अनोखी जुगल बंदी है तुम तीनों की। बिल्कुल तुम्हारी अनोखी आवाज की तरह बंदू। और जब तुम बहुत बड़ी सिंगर बन जाओगी ना, तो अपनी सहेलियों को भूल मत जाना। और क्या पता तुम्हारे सुरों के इस सफर में तुम्हें कोई हम सफर मिल जाए। शर्मा रही है। बातें कुछ अनकही सी इस सोमवार से रात 9 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। कठिन समय में तू ही तो मेरा सहारा है, आखिरी सहारा। उर्मिला बेन, तो मम्मी को पता था कि कांगड़ी वॉशरूम में है। गोपी बहू, तुम्हारी आज की ये हरकत देखकर मुझे तो हैरानगी हो रही है। इतना सब होने के बावजूद भी तुम अपनी प्रिय मामी से संपर्क में हो, उनसे बातचीत करती हो। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती कि मेरी गोपी वो ऐसा कर सकती है। बस गोपी वो बस।
कुछ नहीं सुनना है मुझे, देख लिया मैंने सब।